हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं लाई हूँ बहुत ही कम तेल से बनने वाला ब्रेड का नाश्ता। तो आज मैंने ये बनाए हैं ब्रेड कटलेट्स, और ये बहुत ही इजी बन जाते हैं। बस दो चीज़ों से मैंने बनाया है इसे। जब कभी मॉर्निंग में ये ना समझ आए कि क्या बनाएं, तो आप इस तरह से बची हुई ब्रेड से भी बना सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है। कभी भी अगर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं समझ आए, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और सभी को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इसे और देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड कटलेट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को जरूर क्लिक करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ये मैंने चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये वाइट ब्रेड है, तो आप यहाँ पे इसके लिए वाइट ब्रेड का ही यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती ली है, कैप्सिकम है एक, और ये नमक है, कॉर्नफ्लोर है, और ये दो ग्रीन चिली हैं, और ये मैंने लिया है चाट मसाला, और ये कुटी काली मिर्च, और यहाँ पे ये मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसे मैं इस तरह से रफली तोड़ लूँगी, और इनके एजेस मैं नहीं निकालूँगी। आप चाहें तो इनके एजेस निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और आप ब्रेड कटलेट्स के लिए वाइट ब्रेड का ही यूज करें, कोई भी वाइट ब्रेड हो। तो अब मैं इन्हें इस तरह से रफली तोड़ लूँगी। अब फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप एक बार इस नाश्ते को इस तरह से बनाइए, और बच्चों के लिए आप इसे बना सकते हैं टिफिन बॉक्स के लिए। तो बच्चे तो बहुत ही मन से खाते हैं। तो देखिए, मैंने इसे इस ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो इसे ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस दो से तीन बार इसे चर्न करना है। तो देखिए, ये इस तरह से इसका ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है। ये देखिए, ये मैश आलू हैं। तो अब मैं इसमें ये ब्रेड क्रम्स मिक्स कर दूंगी। और जब भी थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है, तो आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। चार से पांच ब्रेड हमेशा बच जाती हैं, तो आप इस तरह से इस नाश्ते में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये हरी मिर्च, और इसी के साथ मैं मिक्स करूंगी ये एक शिमला मिर्च। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ये धनिया पत्ती भी मिक्स कर दूंगी, और इसके साथ ही आप इसमें प्याज भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मिक्स करूंगी ये कुटी काली मिर्च और ये चाट मसाला। तो चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं मिक्स करूँगी नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करें। और इसके साथ ही मैं मिक्स करूँगी एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पे एक चम्मच चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। आप सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं, और ये फटाफट हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। तो चलिए, इसको मिक्स करते हैं हाथों से, और ये एक डो जैसा बन जाएगा। आप इस मिक्सचर में प्याज या फिर कोई और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बट इतना ध्यान रखिए, आप जो भी इसमें सब्जियां मिक्स करें, वो बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे मिक्स किया है एक से दो पिंच रेड चिली पाउडर, और अब इसे अच्छे से इस तरह से डो बना लेंगे। अब देखिए, डो भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे रखूँगी दो मिनट के लिए। तो देखिए, दो मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से इस तरह से कटलेट्स बना लूँगी। आपको जैसे ही कटलेट्स चाहिए, छोटे या बड़े, तो आप उसी के साइज के इस तरह से बना सकते हैं। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, या आप सिलेंडर शेप दे सकते हैं। मैं गोल शेप में बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से फटाफट से बना लेते हैं, और ये देखिए रेडी हो गया है। तो देखिए, इसी तरह से मैं और बना लूंगी इसके। तो देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं। अब इन्हें फ्राई कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना है, तो मैदे के घोल में कोट करके तभी आप इन्हें फ्राई करें। मैदे के घोल के लिए आप 2 टेबल स्पून मैदा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, और थोड़ा सा उसमें चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक
ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला बैटर बना लीजिए और फिर आप उसमें इन्हें कोट करके और तेल में छोड़ दीजिए गरम तेल में। मैंने इन्हें शोलो फ्राई किया है तो मैं इन्हें इसी तरह से फ्राई करूँगी और देखिए अब मैं इन्हें पलट दूँगी। मैंने शोलो फ्राई किया है क्योंकि बहुत से लोगों को ऑयल पसंद नहीं होता है, तो जिन्हें ऑयल नहीं पसंद है वो लोग इस तरह से शोलो फ्राई कर सकते हैं, कम तेल में बना सकते हैं, और जिन्हें डीप फ्राई खाना है वो डीप फ्राई कर सकते हैं। और आप इन ब्रेड कटलेट्स को चाट के जैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे दही खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्नैक्स है ये। तो आप इस तरह से बनाइए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश, टाइम भी नहीं लगता है, तो इस तरह से फटाफट रेडी हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से मैंने ये बना लिए हैं। अब जो दूसरा बैच बचा हुआ है उसे भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये ब्रेड आलू का नाश्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि बच्चे तो बहुत ही मन से खाएंगे इसे। तो देखिए मैंने बना लिया है और मैंने इन कटलेट्स को सर्व किया है चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ। तो आप भी बनाइए, तो इसे इंजॉय करिए मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप मेरे तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।